हे गाइस, माय नेम इज राहुल कुंतल। और यार, आज हम बात करने वाले हैं हैंडबॉल कोर्ट के मार्किंग प्लान की। ये हमने पहले ही बनाया है, लेकिन आज हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। पहले हमने उसे फुल डायगोनल से बनाया था, इस बार हम उसे बनाएंगे कि अगर पोल्स पहले से लगे हुए हैं तो हम ग्राउंड की मार्किंग कैसे करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। मार्किंग शुरू करने से पहले हम इसकी मेजरमेंट के बारे में जान लेते हैं कि इसकी मेजरमेंट क्या होंगी। ये एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। लेकिन पहले हम उसकी मेजरमेंट जान लेते हैं। तो ग्राउंड की जो साइड लाइन होती है वो 40 मीटर्स की होती है, और जो सेंटर लाइन होती है वो दोनों तरफ से 20 मीटर्स पर होती है। उसके बाद इसमें जो गोल पोस्ट होते हैं, इनकी चौड़ाई 3 मीटर होती है। और इसकी जो शूटिंग सर्कल होता है, जो डी जोन के नाम से जानते हैं, ये होता है आपका 6 मीटर्स का एंड लाइन से। और फ्री थ्रो लाइन जो होती है वो होती है 9 मीटर्स पर। इसमें दो मार्क होते हैं, गोलकीपर्स मार्क और पेनल्टी मार्क। इनकी जो दूरी होती है वो एंड लाइन से 4 मीटर और 7 मीटर्स होती है, और ये एंड लाइन के जस्ट सेंटर पॉइंट पर मार्क होते हैं। अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे कि इसकी मार्किंग हमें कैसे करनी है। अगर पोल्स पहले से लगे हुए हैं तो इसकी मार्किंग कैसे करेंगे। ग्राउंड पर पोल हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं और इसकी मार्किंग कहीं भी विजिबल नहीं है, तो हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम पोल टू पोल, इस पोल से लेके और इस वाले गोल पोस्ट तक एक मीटर टेप रख लेंगे। सपोज ये हमने यहाँ पर एक मीटर टेप लिया। अब अगला काम हमें जो करना है वो इस वाली लाइन पर हमें डिस्टेंस लेनी है 6 मीटर्स की। इस वाली लाइन पर इस गोल पोस्ट के एंड से हमने 6 मीटर डिस्टेंस लिया। सेम 6 मीटर डिस्टेंस हमें इधर से लेनी है इस वाली लाइन पर। 6 मीटर डिस्टेंस हमने यहाँ ले लिया। इस वाले पॉइंट से हम इधर की तरफ एक आर्क लगाएंगे 8 मीटर्स पर। हमने एक आर्क लिया 8 मीटर्स पर। फिर इस वाले पॉइंट से, जो हमने यहाँ से 6 मीटर की डिस्टेंस पर ये आर्क लिया था, यहां से एक आर्क लगाएंगे सेम आर्क के ऊपर 10 मीटर्स का। और आर्क इंटरसेक्शन पर हम यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा। सपोज ये पॉइंट है हमारे पास ए बी और सी। सेम हमें दूसरी तरफ करना है, यहां से एक आर्क लेंगे इस वाले पॉइंट से इधर की तरफ 8 मीटर्स का, और इस पॉइंट से एंड लेंगे, इस पॉइंट से पॉइंट लेंगे 10 मीटर्स का। और आर्क इंटरसेक्शन पर हमें ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ। सेम हमें इस वाले दूसरे वाले जो गोल पोस्ट का दूसरा जो पोल है उस पर करना है। मीटर टेप रख लेंगे पूरे पे और 6 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर ले लेंगे, दोनों तरफ 6 मीटर डिस्टेंस। 6 मीटर डिस्टेंस लेने के बाद हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 8 मीटर्स का इधर, यहाँ से 10 मीटर्स का आर्क, 10 मीटर्स। सेम हमें इधर करना है, यहाँ से एक आर्क लेंगे 8 मीटर्स का, यहाँ से एक आर्क लेंगे 10 मीटर्स का, ये हमारे पास जो हमारी एंड लाइन है सीधी एंड लाइन बन के हो जाएगी तैयार। लेकिन एंड लाइन डिस्टेंस जो होती है हैंडबॉल कोर्ट की वो होती है 20 मीटर्स की, तो हमें पूरे 20 मीटर्स का कोर्ट चाहिए। यहाँ पर 8 मीटर्स प्लस 8 मीटर्स 16 प्लस 3 मीटर का गोल पोस्ट, ये आ जाएगा हमारा 19 मीटर्स का। अब हमें दोनों तरफ 1 मीटर कोर्ट बढ़ाना है, मतलब आधा मीटर इधर और आधा मीटर इधर। उसके लिए हम यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे अप टू हाफ मीटर्स, सेम इधर कर लेंगे, और फिर इस लाइन को मार्क कर लेंगे। सेम हमें इधर करना है, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे आधा मीटर, सेम इधर, और फिर इसे भी मार्क कर लेंगे। फिर हमारे पास जो ये एंड लाइन के एंड पॉइंट्स हैं, इनको हमें मार्क कर लेना है।
ये हमारे पास एंड वॉल कोर्ट का रेक्टेंगल बन के हो गया तैयार, जिसकी साइड लाइन 40 मीटर्स है और जिसकी एंड लाइन 20 मीटर्स। अब जो हमारी ये इनर मार्किंग्स हैं इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये इमेजनरी लाइंस होती हैं, इनको हमें कोर्ट में मार्क नहीं करना है। इनर मार्किंग्स की एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इसमें इस बार मैं दोबारा से एक बार वो रिपीट कर देता हूँ इजी मेथड के साथ कि इसको दोबारा कैसे मार्क करना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल बनने के बाद हमें यहाँ पर इसकी सेंटर लाइन फाइंड करनी है। तो सेंटर लाइन के लिए ये जो साइड लाइन है इस पर हमें एक 20 मीटर्स पर पॉइंट ले लेना है एंड पॉइंट से, और ऐसे ही इधर भी 20 मीटर्स पर एक पॉइंट ले लेना है, और फिर इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये हमारी सेंटर लाइन बन के हो गई तैयार। अगला काम है हमारा डी जोन मार्क करना। तो डी जोन मार्क करने के लिए हमें यहाँ पर 6 मीटर डिस्टेंस की एक डी बनानी है। तो इसमें क्या होता है, जो डी होती है हमारी यहाँ पर ये कर्व में आएगी, लेकिन जो गोल पोस्ट के सामने वाला हिस्सा होगा ये वाला, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। गोल पोस्ट के सामने वाला हिस्सा इसमें स्ट्रेट रहता है ये वाला हिस्सा, इसलिए हमें ये हिस्सा स्ट्रेट आए यहाँ पर हमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी होगी। और पाइथागोरस थ्योरम हमें इस तरह यूज़ करनी है कि यहाँ से हम डिस्टेंस ले लेंगे इस पॉइंट, इस वाले पोल के एंड से 6 मीटर का इस लाइन पर, सपोज यहाँ कहीं आया 6 मीटर डिस्टेंस, सेम हम इधर ले लेंगे 6 मीटर डिस्टेंस, सपोज यहाँ कहीं आया। इसके बाद हमें इस वाले पॉइंट से जो हमारा गोल पोस्ट का पोल है इस वाले पॉइंट से इधर के आर्क लगाना है 8 मीटर्स का, फिर इस वाले पॉइंट से इधर आर्क लगाना है 10 मीटर्स का, इस वाले से 10 मीटर्स का और इस वाले से 8 मीटर्स का, सेम हमें इधर करना है यहाँ से 8 मीटर्स का एक आर्क, यहाँ से 10 मीटर्स का एक आर्क, और हमें जितनी ज़रूरत है यहाँ पर हमें है 6 मीटर्स की ज़रूरत। सपोज 6 मीटर्स यहाँ कहीं आ गया इस वाली लाइन पर, 6 मीटर्स यहाँ कहीं आ गया, ये हिस्सा हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे यहाँ पर। ये हिस्सा स्ट्रेट मार्क होने के बाद यहाँ से मीटर टेप रखकर 6 मीटर डिस्टेंस से हम इसे यहाँ पर घुमा देंगे, सेम हमें इधर करना है 6 मीटर डिस्टेंस, यहाँ से लेके 6 मीटर डिस्टेंस और इसे हम घुमा देंगे। ये हमारा डी जोन बन के हो गया तैयार। सेम काम हमें दूसरी तरफ करना है, यहाँ से 6 मीटर डिस्टेंस लेंगे इधर, सेम इधर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 8 मीटर्स पर, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 8 मीटर्स पर, यहाँ से आर्क 10 मीटर्स पर, यहाँ से आर्क 10 मीटर्स पर, फिर 6 मीटर्स जितनी हमें ज़रूरत है उतना इस पर, इस लाइन पर हम पॉइंट ले लेंगे 6 मीटर्स का, सेम इधर, और इसको स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। इसके बाद ये कर्व में आ जाएगा। ये हमारी यहाँ पर डी जोन बन के हो गया तैयार। अब हमें फ्री थ्रो लाइन बनानी है यहाँ पर। तो फ्री थ्रो लाइन के लिए जो इसकी मेजरमेंट होती है वो होती है 9 मीटर्स, मतलब पोल से 9 मीटर डिस्टेंस की दूरी पर। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये वाली जो हमारा 8 मीटर्स पर जो पॉइंट आया था इसको एक्सटेंड कर लेंगे अप टू 9 मीटर्स, सपोज यहाँ कहीं आया, सेम इसको एक्सटेंड कर लेंगे अप टू 9 मीटर्स और फिर इसे स्ट्रेट मार्क कर देंगे। ये जो लाइन होती है ये हमारी डॉटेड लाइन होती है, इसको पूरा मार्क नहीं करते, डॉटेड में मार्क करते हैं। अब इस वाले पॉइंट से हम यहाँ पर 9 मीटर डिस्टेंस लेंगे, तो ये हमारा बाहर कहीं आएगा यहाँ, तो हमें कोर्ट के बाहर से मार्क नहीं करना है, हमें इसे अंदर मार्क करना है। तो हम इसे यहाँ से मार्क करते हुए ले जाएंगे और कोर्ट के अंदर से इसे फिर डॉटेड मार्क कर देंगे। सेम इधर हमने यहाँ से 9 मीटर डिस्टेंस लिया, सपोज यहाँ कहीं आया, और उसे कोर्ट के अंदर से डॉटेड मार्क कर देंगे। ये हमारा फ्री थ्रो लाइन बन के हो गई है तैयार। सेम हमें इधर करना है 9 मीटर डिस्टेंस, इसे अप टू एक्सटेंड कर लेंगे 9 मीटर तक, एक्सटेंड करने के बाद इसे मार्क कर लेंगे डॉटेड में, और सेम यहाँ से 9 मीटर डिस्टेंस इधर लेके इसको डॉटेड मार्क कर लेंगे, सेम इधर 9 मीटर डिस्टेंस इसको डॉटेड मार्क कर लेंगे। अब इसमें हमारा जो आखिरी काम बचता है वो है इसमें हमारा गोलकीपर्स मार्क और पेनल्टी मार्क का। अब इसमें हमें गोलकीपर्स मार्क और पेनल्टी मार्क कैसे लेना है, तो
इस वाली लाइन का हम सेंटर लेंगे 10 मीटर्स पर, सपोज यहाँ कहीं आया, 10 मीटर्स पर सेंटर लेने के बाद हमें यहाँ से फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, तो इनकी जो डिस्टेंस होती है वो 7 मीटर्स और 4 मीटर्स होती है, मतलब पेनल्टी मार्क 7 मीटर्स पर और गोलकीपर्स मार्क 4 मीटर्स पर होगा। तो यहाँ से हम डिस्टेंस ले लेंगे 6 मीटर्स का, सपोज यहाँ कहीं आया, यहाँ से एक आर्क लेंगे फिर 8 मीटर्स पर, ये यहाँ से आर्क लेंगे 10 मीटर्स पर, और फिर इस वाली लाइन पर एक 4 मीटर्स पर हम एक आर्क ले लेंगे यहाँ पर पॉइंट, और फिर यहाँ से 7 मीटर्स पर एक पॉइंट ले लेंगे। ये हमारा हो गया गोलकीपर्स मार्क और ये हो गया पेनल्टी मार्क। बाकी की जो हमारी मार्किंग्स हैं ये इमेजिनरी होती हैं, इनको हमें मार्क नहीं करना है, तो इसको हम यहाँ से मिटा देंगे। सेम हमें इधर करना है, यहाँ से 6 मीटर डिस्टेंस लेने के बाद इधर यहाँ से एक आर्क लेंगे 8 मीटर्स पर, यहाँ से आर्क लेंगे 10 मीटर्स का, और फिर 4 मीटर्स और 7 मीटर्स पर मार्क ले लेंगे और बाकी की लाइन को फिर हम मिटा देंगे। तो ये हो गया हमारे एंड वॉल कोर्ट का मार्किंग प्लेन। ये सबसे इजी मेथड है अगर हमारे पास पोल पहले से लगे हुए हैं और हमें उस कोर्ट को मार्क करना है, हमारे पास मार्किंग विजिबल नहीं है, तो इस तरह से हम उसे मार्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।